एबायोटिक फैक्टर्स द लाइट फर्स्ट द कॉन्टेंट्स फोटोपीरियड इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड सर्केडियन रिदम्स इन ह्यूमेन सर्केडियन रिदम्स इन अदर एनिमल्स एंड द फोटोटेक्टिक रिस्पांस सो फर्स्ट द फोटो पीरियड सो फ्रेंड्स एक्चुअली हेयर वी आर डिस्कसिंग द एबयोटिक फैक्टर ऑफ इको सिस्टम कि जो इको सिस्टम के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें वन ऑफ दैम इज द लाइट

सिमिलरली डूरिंग समर डे लाइट ज़्यादा होती है तो उसे फोटो पीरियड जो है वो लॉन्ग हो गया है तो फोटो पीरियड इज एक्चुअली द टाइम पीरियड आर द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग विच सन लाइट इज अवेलेबल सो फोटो पीरियड इज एक्चुअली द इंडेक्स फॉर द डिफरेंट टाइम्स आर डिफरेंट सीजन आर फॉर डिफरेंट द क्लाइमेटिक चेंजेस तो फोटो पीरियड एक्चुअली डिफरेंट सीजन को रिप्रजेंट करते हैं या दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द चेंज इन सीजन्स डे डिफिन जो सीजन सीजनल चेंजेस हैं उसके साथ साथ फोटो पीरियड क्या करते हैं उसका एक दे आर एक्ट इंडेक्स इंडेक्स का मतलब ये एक निशानी है ये एक इंडिकेशन है दे क्लाइमेट आर द इन्वायरमेंट इज गोइंग टू चेंज सो वाट इज द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड्स फोटो पीरियड का इफेक्ट जो है वो सिंपली एवरी लुक एट द समर आर द स्प्रिंग सीजन समर से पहले चूंकि स्प्रिंग है तो ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन ऑटोमेटिक द फोटो पीरियड स्टार्ट तो फोटो पीरियड या डे लेंथ जो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी दिस इज एक्चुअली द इंडिकेशन फॉर एनिमल्स दैट द फेवरेबल कंडीशन आर गोइंग टू कम इसका रिजल्ट ये होगा कि एज फोटो पीरियड इज इंक्रीजिंग द एनिमल विल स्टार्ट ब्रीडिंग एनिमल्स जो है वो क्या करेंगे ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे सिमिलरली द अदर इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड इज दैट ड्यूरिंग द ऑटम ऑटम चूंकि ऑटम के बाद फोर विंटर है तो ऑटम के दौरान फोटो पीरियड स्टार्ट स्क्वीजिंग फोटो पीरियड जो है वो कम होना शुरू होता है उसकी ड्यूरेशन कम होना शुरू हो जाती है

डेली लाइफ आर द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स सो द अदर टर्म यूज विद रेफरेंस टू लाइट इज द सर्केडियन रिदम्स सर्केडियन रिदम्स नॉर्मली दे आर एक्चुअली द डेली एक्टिविटीज इन द ट्वेंटी फोर आवर्स ड्यूरिंग ट्वेंटी फोर आवर साइकिल या ट्वेंटी फोर आवर्स डेम के अंदर हम जो भी एक्टिविटीज डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म करते हैं सर्केडियन रिदम्स सर्केंड रिजम्स में कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी हैं जैसे इंपॉर्टेंट थिंग कि सर्केंडरी रिदम में हम स्लीप वेक साइकिल है हमारा जैसे ही सनसेट होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसके एक मखसूस टाइम के ऊपर हमें जो है नींद आना शुरू हो जाती है सनराइज़ होने के साथ ही वेकअप हो जाता है इसमें अच्छा ये जो स्लीप वेक साइकिल है ये हमारे एक सर्कडी रिदम है डेली एक्टिविटी है 24 फोर आवर्स साइकिल में है अब कहते हैं नॉर्मली अगर फोटो पीरियड चेंज हो तो इट विल एफेक्ट आवर सर्कडियन रिदम्स तो ये इट विल इफेक्ट आवर सर्कैडियन हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करेगा कैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो लाइट शुरू जो हो आजकल जैसे अगर हम देखें अगर समर है तो ड्यूरिंग समर द सन राइज इज़ अबाउट फाइव पी एम फाइव पी एम के ऊपर सनराइज़ है अगर हम यहाँ से माइग्रेट करके वर्ल्ड के किसी दुनिया किसी और हिस्से में चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं या यूरोप में चले जाते हैं अब वहाँ जो सनराइज़ का टाइम है वो डिफरेंट है अब रीज़न क्या होगा अब हमारा चूँकि एक रूटीन बनी हुई है स्लीप वेक साइकिल हमारा यहाँ के इन्वायरमेंटल साइकिल सेट है जब हम एक नए फोटो पीरियड में चले जाते हैं तो वहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट तो अब रिजल्ट क्या होगा कि हमें प्रॉपर जो है वो स्लीपी कंडीशन फील नहीं आएगी नींद स्लीप नहीं आएगी नींद नहीं आएगी उसका रीज़न ये होगा कि वहाँ फ़ोटो पीरियड क्या है डिफरेंट होता है तो दिस डिफरेंस इज़ आल्सो कॉल्ड द जेट लैग तो फ़ोटो पीरियड की चेंज होने से हमारी डेली एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट होती हैं जिसको ह्यूमन के केस में हम इसको क्या कहते हैं जेट लैग का नाम देते हैं सिमिलरली फोटो पीरियड इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग आवर बायोलॉजिकल क्लॉक फोटो पीरियड हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सेट करता है कैसे जैसे जैसे फोटो पीरियड चेंज होता जाता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ की रूटीन चेंज होती है नॉर्मली अगर बंदा एक सुबह के टाइम यानी कि सन राइज़ के साथ उठता है या सन राइज से आधा घंटा पहले उठता है तो जैसे पाँच बजे अगर सूरज निकल रहा है वो साढ़े चार बजे उठ रहा है अब विंटर में यही कंडीशन जो होती है वो सनराइज़ 7 पी 7 सेवन एम पर चली जाती है तो 5 एम से 7 एम अब सात बजे अगर सनराइज़ होता तो वो 6:30 पे जो है वो वेक उसके जब वो स्लीप वेक साइकिल जब उसको जो है जागने का टाइम उसका होगा तो इसका मतलब ये है कि फ़ोटो पीरियड की चाइन चेंज होने के साथ साथ उसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट होती हैं यानी उसका जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो फोटो पीरियड के लिहाज से सेट होता है फॉर एनिमल्स एनिमल्स के केस में भी जो सरकेडियन रिदम्स हैं एनिमल्स की दे आर रिलेटेड टू द फोटो पेरियड यानी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स की दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइट फॉर एग्जाम्पल द एनिमल्स अगर हम वाटर बॉडीज़ के एनिमल्स की बात करें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फीडिंग के लिए या एक खास टाइम के ऊपर जब सनलाइट होती है दे कम आन द अपर कॉलम आर दे मूव टू द डाउनवर्ड तो इसे वाटर के अंदर ऊपर और नीचे जो होता है वो डिफरेंट लेयर्स में एनिमल मूव करते हैं विद रेफरेंस टू द लाइट तो इस तरह से उसकी डेली एक्टिविटीज़ कि अगर सपोज़ एक एनिमल है उसने डॉन यानी सुबह के टाइम फीडिंग करनी है तो वो क्या होगा जैसे ही डाउन होगा यानी फोटो पीरियड स्टार्ट होगा वो टॉप के ऊपर फीड करेगा देन उसके बाद जब वो पीक डे होगा वाइट पॉसिबल वो दोबारा बॉटम में चला जाए इसी तरह से दो तो एनिमल्स जो फीडिंग एनिमल्स है उसकी जो है वो डॉन और डस्क के टाइम फीडिंग जो है ये यानी कि जो डेली एक्टिविटीज़ हैं दे रिलेटेड टू द फोटो पीरियड्स इसी तरह से जो टेरिस्टेरियल एनिमल्स हैं देयर सर्कैडियन रिदम्स डेली एक्टिविटीज़ मीन सर्केडियन रिदम्स तो सर्केडियन रिदम्स आर लिंक्ड टू द फोटो पीरियड कैसे फोटो पीरियड से लिंक्ड हैं कि बहुत सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं सो जब फोटो पीरियड में नाइट का टाइम होगा लाइट अवेलेबल नहीं होगी यानी फोटो पीरियड जब नहीं चल रहा होगा डार्क होगा दे विल फीड बहुत सारे एनिमल्स हैं डायोरिनल हैं दे फीड ओनली वैन दे इज इन लाइट तो सिर्फ उसी वक्त फीड करते हैं जब क्या होता है कि सनलाइट अवेलेबल तो ह्यूमन की तरह एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर सेट बाय द फ़ोटो पीरियड डेली एक्टिविटीज मीन सर्कैडियन रिदम्स इट मीन्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स डेली एक्टिविटीज़ आर सर्कैडियन रिदम्स दे आर एक्चुअली दे आर सेट बाय द फोटो पीरियड अच्छा आमतौर पर जो हमारी एक्टिविटी जो हमें खास टाइम के ऊपर करते हैं हमें कोई बताता नहीं है लेकिन उसके बावजूद हमें वो जैसे अगर आप सुबह सात बजे या नाश्ता करते हैं तो जैसे सात बजेंगे आपको अल्टीमेटली जब भूख लगना शुरू हो जाती है इससे जब आपने सोना होता है आप बेशक पहले सो चुके होंगे उस टाइम आपको फिर नींद आ रही होती है दिस मीनस कि हमारा इंटरनल सिस्टम के अंदर भी एक क्लॉक मौजूद है जो उस टाइम के ऊपर हमें क्या करता है स्विच ऑन करता है नॉक करता है जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लॉक इसको जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम दिया जाता है फोटो फोटोटेक्टिक रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो विथ रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं आमतौर पर जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है तो उस केस में वो एनिमल्स अपनी पोजिशन जो है वो तेज़ रोशनी से दूर चले जाते हैं तो इस केस में हमारे पास जो होता है वो जैसे बहुत सारे प्रोटोजॉल्स हैं प्रोटोजॉल जो होते हैं वो आमतौर पर डिम लाइट में रहते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट तेज होने की सूरत में वो अपनी पोजिशन चेंज कर जाते हैं तो सच एनिमल्स विच अवॉइड द इंटेंस लाइट दे आर कॉल द नेगेटिवली फोटोटैक्टिक तो इट मीन्स जो लाइट है ये डिफरेंट एनिमल्स के हैबिटेट को भी इफेक्ट करती है जहाँ लाइट इंडस्ट्री ज़्यादा होगी वहाँ उनका हैबिटेट नहीं होगा